ये हंगामा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या है, क्या है मांग? नागरिकता संशोधन बिल जो लोकसभा में पास किया गया है उसको लेकर आज कल रात में प्रोटेस्ट मार्च किया गया था, आज धरना लगा दिया गया। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बिल लाया जा रहा है वो धर्म के आधार पर और मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है। इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो राजनीतिक षड्यंत्र है, उसके आधार पर ये देश में माहौल खराब करना चाहते हैं और जिसकी बुनियाद पे ये अपनी सरकार इनकी कायम रहे और यही चाहते हैं। और हम इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, किस लिए कि ये जो है, ये जो बिल है ये असंवैधानिक है, देश को तोड़ने वाला है। क्योंकि जब आप धर्म के आधार पर लेके जाएंगे तो नहीं, ये बिल जो है हमारे देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, हमारे देश के कानून को कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम इस बिल की मुखालफत करते हैं और इसके विरोध में। तो आज जो धरना दे रहे हैं, अब ये कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलता रहेगा। हमारी जो डिमांड है, मांग जो है हमारी, हम चाहते हैं कि सरकार उनको माने, क्योंकि ये जो विरोध, जो बिल लिया गया है हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, हमें ये मालूम है। अगर आज हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, समझ रहे हैं, आज जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोग आज की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये ऐसी जुल्म हर उस कम्युनिटी पे करते रहेंगे जो लाचार है, परेशान है, SC ST है, आदिवासी हैं और मुस्लिम हैं, और इन पे हमेशा करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और ये हम कतई होने नहीं देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता रहेगा।